बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपको पता है कि कल से हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है और हम लास्ट सीरीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले हैं पाकिस्तान में, उसी विनिंग मोमेंटम को लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से हमारी टीम काफ़ी जल्द है और कोशिश यही है कि जो कम्बिनेशन हमारा चलता आ रहा है उसी को हम लेके चलें, और एक आधी चेंज या जो हमें सूटेबल होगा अभी आज लास्ट हम देखेंगे विकेट को, उसके बाद डिसाइड करेंगे फाइनल 11। और मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफिकल्ट है थोड़ी कंडीशंस और मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन हम एडजस्ट हो गए हैं। और जैसे टेस्ट टीम के प्लेयर्स कैंप करते आ रहे हैं और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कैंप किया, प्रैक्टिस किया, तो यूज्ड टू हो गए हम सारे। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि टेस्ट सीरीज भी जीते। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। खालिद खान, मोहित शाह, रशीद शुक्र एंड सुहेल राम। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पिछले 8 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेले हैं और जिम्बाब्वे जिस तरह की टीम है, मतलब लास्ट सीरीज जब 2013 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से खेला था जिम्बाब्वे में, तो वो सीरीज एक एक से बराबर हो गई थी, जिससे मतलब पाकिस्तान बहुत ही अजीब गरीब तरीके से मैच हारा था। मतलब वो मैच हारना नहीं चाहिए था खैर, लेकिन जब जिम्बाब्वे जैसी टीम सामने पाकिस्तान जैसी टीम खेलती है और खासतौर पर ये जनवरी के बाद पहली सीरीज होगी, बल्कि फरवरी के पहले हफ्ते में आप लोग साउथ अफ्रीका से पिंडी में जीते थे, तो ये जो बीच में T20 और वनडे खेलते रहे उसके बाद से वापिस आना टेस्ट फॉर्मेट में कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल इतना नहीं होता, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है और माइंडसेट की ज़रूरत होती है कि कितना आप अपने माइंडसेट को टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं। देखें, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेरे ख्याल से इन जिम्बाब्वे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ की कंडीशन टोटली डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हमने प्रिपेयर किया अपने आप को सबने एज अ टीम, तो हम काफी कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ये पूछना था जी कि वन डे खासकर हमने देखा T20 में जिम्बाब्वे में कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, बॉल जो है वो सही तरीके से बैट पे नहीं आ रही थी, विकेट ऐसी नहीं थी कि जो स्ट्रोक प्लेयर प्ले के लिए अच्छी हो, तो अभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टेस्ट की जो विकेट्स बनाई हैं जो आपने थोड़ा बहुत देखी होगी, या जनरल यहाँ का बिहेवियर जो है विकेट का वो टेस्ट मैचेस के लिए कैसा होता है, वो जरा जरा बता दें। तो देखें, जिस तरह हम साउथ अफ्रीका से खेल के आए थे बाउंसी ट्रैक पे और उसके बाद हम आए यहाँ पे लो ट्रैक पे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हमारे लिए एज अ बैटिंग ग्रुप, लेकिन उसके बाद हमने एडजस्ट किया। लेकिन विकेट वैसा नहीं था कि यहाँ पे 180 200 हो, या ये मेरे ख्याल से विकेट अगर वाइट बॉल के क्रिकेट की बात करें तो 140 150 का विकेट था, क्योंकि बॉल डबल पेस आ रहा था, कभी स्लो हो रहा था कभी तेज आ रहा था, तो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से काफी बेहतर विकेट लग रही है, और मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट कल देखा था तो वो काफी उस पर थोड़ा सा ग्रास भी था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बॉल कैरी करेगा और हेल्प करेगा दोनों साइड को, बैटिंग और बॉलिंग को। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम बाबर। जिस तरह हमने T20 सीरीज अभी जो देखी उसमें पूरा न्यूक्लियस और पूरी जो बैटिंग है पाकिस्तान की वो आपके और रिजवान के गिर्द ही घूम रही है, मतलब आप सारी एक्सपेक्टेशन एक बड़े स्कोर के लिए आप दोनों पर ही इन्हिसार, और हुआ भी ऐसा ही है। और फिर हम पीछे जब टेस्ट सीरीज हम देखते हैं जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी पाकिस्तान में, तो वहां पे टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो ऊपर के तीन वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, आबिद, इमरान भट्ट और फिर अजहर भी ऑन ऑफ रहे थे, तो इस सारी सिचुएशन में किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आपकी भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन, बाकी जो आपके जो बैट्समैन है वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इस टेस्ट सीरीज को आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या ये इसमें भी हम यही देखेंगे कि अगर रिजवान और बाबर आजम स्कोर करेंगे तो फिर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर कुछ बड़ा नजर आएगा? सर, नहीं, मेरे ख्याल से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारा जो ये टेस्ट टीम का स्क्वाड है उसमें, देखें अजहर अली है, फवाद आलम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और उसके बाद हमारी बॉलिंग देख लें, आउटस्टैंडिंग हसन आया और शहीन को रेस्ट के बाद आए, तो हमारा ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा है, बिल्कुल
थोड़ा सा देखें ऑन एंड ऑफ होता रहता है क्रिकेट में, थोड़ा सा चलता है। और मुझे कॉन्फिडेंस है जिस तरह वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे वो मैच खेल के आए हैं, तो वो मुझे लग रहा है काफी अच्छी शेप में, और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो अच्छी परफॉर्म करेंगे। और दूसरे बिल्कुल देखें, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कोशिश यही होती है कि हम इसको पूरा करें। अगर टीम थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रही है तो हम उसको लेके चलें, जो हमारे पे जो जो हमने अपना प्लान किया होता है मैंने और रिजवान ने, कोशिश यही होती है कि जिसके हाथ में जो चीज आए वो लंबा फिनिश करके आए। और किस ये है कि हम प्लान होता है कि एक बंदा अगर खड़ा है तो वो फिनिश करके आए। थैंक यू। बाबर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से आप काफी बात भी करते रहे कि उनको टीम में होना चाहिए, बेशक ऑफ द रिकॉर्ड आप कहते रहे जो मीटिंग की खबरें सामने आती रही हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी शोएब मलिक का बयान सामने आया कि उनका कहना था कि जी बाबर आजम के पास फैसले नहीं है, फैसले मैनेजमेंट पसंद और नापसंद के मुताबिक करती है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब तक आपको फॉरवर्ड होकर काम नहीं करेंगे तो ये नतायज जो है वो अच्छे नहीं आ सकते और साथ व्हाइट बॉल कोच की जरूरत है। तो आप इन दोनों चीजों को किस हद तक समझते हैं कि हाँ आप बाबर आजम के हाथ में कुछ नहीं है, फैसले मैनेजमेंट करती है पसंद नापसंद के और पाकिस्तान टीम को व्हाइट बॉल कोच की जरूरत है? मेरे ख्याल से अब ये बातें खत्म होनी चाहिए कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये बातें खत्म होनी चाहिए। ऑन द फील्ड आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही चीजें सब देखता हूँ और जो मेरा फाइनल 11 होती है वो भी मेरी फाइनल होती है और इनपुट होती है। बिल्कुल मैनेजमेंट से पूछता हूँ मैं और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे कप्तान बना है तो मेरा रोल मुझे पता है मेरा क्या है। मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना सोचने का तरीका है। व्हाइट बॉल कोच का नहीं आपने बताया अगर जी सर, कोच सर ये तो पीसीबी बता सकता है, इसमें मेरा मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब प्लेयर को पूरी टीम को सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आई एम हैप्पी। शहजाद मलिक, आमिर चौधरी, अशरफ एंड अब्बास रजा। जी बाबर, मैं चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ। तो बाबर, जिस तरह देखा कि आप रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज है उसमें आखिरी मरतबा मिसबाह यूनस जो अभी टीम मैनेजमेंट में है वो उनके होते हुए पाकिस्तान टीम को शिकस्त से दो चार होना पड़ा था, तो किस तरह देखते हैं कि अब जो मौजूदा जिम्बाब्वे स्क्वाड है उसको पाकिस्तान आसानी से जेर कर लेगा? देखें, किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते और ऊपर से उनकी होम कंडीशन है, उनको ज़्यादा पता है और डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, तो हम इस चीज़ को इजी नहीं ले रहे और हम अपना पूरा प्रिपरेशन की हुई है और अपना 100% देंगे। और जो हमारा देखें विनिंग जो कम्बिनेशन था और जो विनिंग एक मोमेंटम था वो काफ़ी हेल्प करता है और उससे कॉन्फिडेंस हमारी टीम में काफ़ी है और उसी को लेके हम चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, मैं पूछना चाहता था कि इन द पास्ट हमारे ओपनर्स का हमें एक इशू रहा है और थोड़ा सा मतलब पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इतना अच्छा हल नहीं था, तो आपके ख्याल में कितना प्रेशर होगा ओपनर्स पे और आपके मतलब क्या प्लान्स हैं इनके इसके बारे में? सर ओपनर एज अ ओपनर मेरे ख्याल से मैं और रजी काफी देर से ओपन कर रहे हैं और अभी सर हां टेस्ट, अच्छा टेस्ट का बात कर रहे हैं। देखें हम जितना बैक कर सकते हैं करेंगे उनको और जिस तरह आबिद अली भी है, इमरान बट अभी आया, मेरे ख्याल से 2 मैचेस हुए हैं उसके, 3 मैचेस हुए हैं, तो उनको जितना बैक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और आबिद अली भी उसके पास में परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से जितना उनको सपोर्ट करेंगे उतना उनके लिए अच्छा और टीम के लिए अच्छा। तो उन पर कोई प्रेशर है आपके ख्याल?
नहीं, मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं है और कोशिश यही है कि उनको जितना प्रेशर लेस किया जाए, वो अपनी गेम खेलें और फिर फ्रीली अपनी क्रिकेट खेलें। जी प्लीज गफार एंड अंस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, अब्दुल गफार हियर फ्रॉम डॉन न्यूज़। वालेकुम सलाम। बाबर ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है तो यहाँ भी ओपनर्स को थोड़ा सा फॉर्म का इशू रहा है, तो मेरा ओपनर दोनों जो फॉर्मेट है हमारे तीन ओवर के, थोड़ा ओपनर्स के हवाले से होगा। और एक चीज बाबर, बहुत क्योंकि टी ट्वेंटी सीरीज में ज्यादा सवाल करने का मौका नहीं मिला आप लोगों से, क्योंकि आप और रिजवान वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं और ये भी मानना पड़ेगा जब रिजवान को बतौर ओपनर प्रमोट किया गया था तो काफी लोगों का शायद थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आज भी वो टॉप 10 में आ गए, आप माशाल्लाह टॉप 3 में, तो फखर और शर्जील का रोल आप क्या देखते हैं, क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि वो स्क्वाड में है तो क्या मिडल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है। दूसरा जो टेस्ट ओपनर हैं उनको आई थिंक आप लोगों ने वाकई बड़ा लॉन्ग चांस दे दिया है, हालांकि फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो आई थिंक ये बात समझते हैं बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ कम से कम वो प्रूव करें क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल रन नहीं कर सके थे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि हमने काफी बैक किया और करते रहेंगे, यही और कोशिश यही है कि मैं काफी पूरी उम्मीद हूँ कि इस सीरीज में हमारे ओपनर्स टेस्ट ओपनर्स परफॉर्म करेंगे और वो जो एक हम चीज लैक करें ओपनर एज ए ओपनर तो वो चीज भी फिल होगी। और दूसरा देखें, जिस तरह मैं और रिजवान काफी देर से ओपन कर रहे हैं और कोशिश यही होती है कि एंड तक जाए, डिफरेंट दोनों सेम प्लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं और कोशिश यही होती है कि खुदा ना खास्ता एक भी आउट हो तो एंड तक दूसरा प्लेयर जाए और उसके इर्द गिर्द सारी टीम खेले। और जिस तरह आपने बात की, देखें जिस तरह शर्जील और फखर की आपने बात की है, फखर को हमें एज अ वन डाउन खिलाया, हमें जो टीम के लिए बेहतर था, जो हमें टीम की कम्बिनेशन के लिए बेहतर था वो हमने यूटिलाइज किया उसको और उसने अप्लाई भी किया। और शर्जील भी जिस तरह हम ऊपर से हम नीचे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी चेंजिंग की तो हमने शर्जील को खिलाया, उसकी वजह से मैंने अपना स्पॉट छोड़ा, नीचे वन डाउन आया। तो ये देखें कि टीम के लिए जो बेहतर है, जो टीम कम्बिनेशन के लिए बेहतर है तो वो हम करते हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन भी हमने ट्राई किया और बिल्कुल हम उनको बैक करते हैं और जब भी कोई मौका मिलेगा तो हम इनको खिलाएंगे। जी प्लीज बाबर, मेरा सवाल ये कि हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए हैं टी20 और उसको, जो प्लीज काइंडली टेस्ट सीरीज पे फोकस करिएगा प्लीज। बाबर मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम एक मैच में परफॉर्म ना करें तो दूसरे मैच में, उससे अगले मैच में परफॉर्मेंस अपनी दे देते हैं, लेकिन बाबर आजम परफॉर्मेंस के बावजूद जो उनको ये कहा जाता है कि वो सेल्फिश प्लेयर हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे जो आपको ये ऐसे कहते हैं लोग? मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है, सेल्फिश मेरे ख्याल से इसको नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से मैं इसको ये कह सकता हूँ कि टीम का रिक्वायर्ड जो होती है उस हिसाब से मुझे खेलना पड़ता है, कभी कभार आपको तेज भी खेलना पड़ता है और आपको टीम को देख के आपको पूरी अपना प्लान करना पड़ता है, कभी कभार आपको पता है कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं अपनी थोड़ी सी गेम चेंज कर लेता हूँ, अपनी गेम से हट के मैं अपनी गेम करता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से लोगों को सेल्फिश लगता है, लेकिन मुझे एज अ प्लेयर मुझे टीम को लेके चलना पड़ता है और कोशिश ये होती है कि यार जो टीम को उस टाइम जरूरत हो कि यार मुझे वहाँ पे तेज खेलना है या मुझे स्लो खेलना है कि मैं एंड तक जाऊं तो टीम का टोटल अच्छा हो और टीम को वहां से निकालूं। और मेरे ख्याल से हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, मैं इसको इतना सोचता नहीं। थैंक यू। जी प्लीज बदीउज़्ज़मान हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आज जो जावेद मियांदाद है उन्होंने बड़ी तारीफ की आपकी, उन्होंने कहा कि बाबर एक ऐसा बैट्समैन है जो इनिंग को अपनी बिल्ड भी करता है, आगे भी लेके चलता है, तो आज उन्होंने आपको मशवरा दिया कि बाबर को चाहिए कि जब वो 100 पे जाएं तो कोशिश करें 200 की तरफ जाएं, तो क्या इस तरह का प्लान है, क्योंकि एक लेजेंड आपको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब इतना बड़ा खिलाड़ी आपको ऐसे मशवरे देता है, क्या बाबर होगा कि 100 को 200 में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपके सामने टीम भी ऐसी है और कोशिश आपकी भी होगी, क्योंकि आप देखें कि आप जब खेल रहे होते हैं तो आपको यही होता है कि आप लंबा से लंबा जाएं, तो क्या इस सीरीज में हम देखते हैं कि बाबर बड़ी इनिंग्स खेलेंगे?
पहले तो बड़ी ऑनर की बात है कि इतने लेजेंड बैट्समैन ने मुझे मेरे लिए थोड़े से वर्ड्स बोले। बिल्कुल मैं इस चीज पे सोचता हूँ कि अगर मैंने 50 किया, 50 के बाद 100 कैसे करना है और 100 के बाद 150 कैसे करना है। बिल्कुल इस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ और जिस मुझे पता है कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, कभी कभार वो चीज मैं ना रिपीट करूँ और फिनिश करके आऊँ। और अगर टेस्ट मैच में है तो अगर 100 है तो 100 को 150 में कैसे कन्वर्ट करना है वो इंशाल्लाह इस सीरीज में आपको डिफरेंट नजर आएगा। बाबर, हुज़ैफ़ा हियर फ्रॉम समा टीवी। बाबर, मेरा सवाल यह है कि आपके पास जाहिद भी हैं, साजिद भी हैं, तो किस स्पिनर को आप कल जो है वो खेलता हुआ देख रहे हैं और ताबिश के हवाले से क्या आपने फैसला किया कि कल उनको चांस मिल सकता है? थैंक यू। सर देखें, जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है उसी के साथ ही हम जाएंगे, जो हमारा मेन कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाएंगे, जो हमारे सेकंड स्पेस है। और कोशिश अभी मेरे ख्याल से आज फाइनल देखेंगे विकेट के किस प्लेयर को हमने खिलाना है और एक आधी चेंज तो होती है, वो कंडीशंस को देखे कि इस कंडीशंस में कौन बेहतर रहेगा, तो इंशाल्लाह आज हम फाइनलाइज करेंगे। जी प्लीज, शहजाद मलिक, अब्बास रजा एंड बाकरी प्लीज। बाबर, तेज तरीन जो है वो 2000 रन मुकम्मल करने का आपने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो कितना आप प्राउड फील कर रहे हैं और आगे क्या देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो एक 2000 रन वाला रिकॉर्ड मैंने अपने नाम किया, इसमें जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ। बिल्कुल, अब ये कोशिश यही है कि आगे जो है रिकॉर्ड उसको कैसे ब्रेक करूंगा और उसके लिए प्लानिंग है, और जो आगे मैचेस आ रहे हैं उस पे फोकस है। देखें, रिकॉर्ड पे इतना सोचता नहीं हूँ, कोशिश यही होती है कि टीम के लिए क्या बेस्ट है और कैसे परफॉर्म करना है और कैसे टीम को निकालना है वो ज्यादा, और कोशिश करता हूँ कि एंजॉय करूँ अपनी क्रिकेट को और जितना एंजॉय करूँ और जितना अपनी बैटिंग और टीम को लेके सपोर्ट करूँ उतना मेरे लिए अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, 2013 में हम हरारे में एक मैच हारे थे, दो मैच हम हारे हैं पंजाब में, उनमें से एक जो है वो गुज़श्ता सीरीज में, तो कोई इस तरह का खौफ तो नहीं है क्योंकि कोई कमजोर हरीफ भी तो कदबाज का भारी पड़ जाता है जिस तरह 1T20 में, इस तरह का खौफ तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं, मेरे ख्याल से देखें किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते, आप इंटरनेशनल टीम है और होम कंडीशन है उनकी, तो जैसे हम खेलते आ रहे हैं, विनिंग मोमेंटम चल रहा है, टेस्ट मैच है, टेस्ट स्क्वाड, तो उसी को लेकर चलेंगे और किसी भी टाइम रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि ये कमबैक करती है और आपने देखा था कि जिस तरह T20 में वो कमबैक किया था एक मैच में, तो ये टेस्ट मैच में हमें इनको इजी नहीं ले सकते, तो हम अपना पूरा 100% देंगे और पूरे फोकस से खेलेंगे। बाबर, आपने सुहेल साहब के सवाल के जवाब में कहा था कि आप सब कुछ खुद कर रहे होते हैं, हम सभी लोग देख भी रहे होते हैं, मेरा टेस्ट सीरीज के हवाले से सवाल है आपसे कि आबिद अगर मुसलसल नाकाम चला आ रहा है या शान मसूद जैसा ओपनर आपने ड्रॉप कर दिया था, तो जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते आप उनको टीम से निकाल भी देते हो, तो क्या लाइक आबिद इस वक्त टेस्ट स्क्वाड के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, तो इन लोगों को आपने क्या मैसेज दिया हुआ है, या ओवरऑल T20 सीरीज में जो लड़का नाकाम हो रहा था तो क्या मैसेज आप देते हैं उनको कि भाई आपके पास आगे स्पॉट के लिए क्या करना है, आपको कुछ ऐसी भी बात करते हैं आप प्लेयर से? जी बिल्कुल, उनको जितना हम कोशिश यही होती है कि उनको बैक किया जाए, उनको ये नहीं कहा जाता कि आप अगर परफॉर्म ना करेंगे तो अगले टूर से बाहर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता यहाँ पे, और जितना कोशिश होती है उनको बैक किया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो मैच में जाके फ्रीली खेलें, जो उनकी गेम है वो जो गेम करते आ रहे हैं, जो जितना वो सारे वो पूरा जो अपना वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं उसी फ्रीडम से खेलें, और मेरे ख्याल से मिस्टेक से जितना जल्दी सीखेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। इवन कि आप वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स की बात करें या टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स की बात करें, जितना जल्दी अपनी मिस्टेक से सीखेंगे उतना जल्दी वो इम्प्रूव करेंगे, उतना जल्दी वो अपने उस चीज़ से निकलेंगे, कम्फर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, जो भी प्लेयर है अपने कम्फर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, बैक टू बैक मैचेज होते हैं तो सोचने का टाइम कम मिलता है, तो जितना जल्दी ये चीजें अपनी क्लियर करेंगे उतना एज अ प्लेयर सबके लिए अच्छा।
जी प्लीज जाहिद गफार, हाफिज शहबाज एंड शायद हाशमी। बाबर जाहिद गफार, मैं ये पूछना चाहूंगा बाबर के आपकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, और आपने पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को जो टी ट्वेंटी रैंकिंग वनडे रैंकिंग में आपने उसकी रिकॉर्ड छीना, उसके बाद फिर तेज तरीन 2000 रन छीने। तो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो भारत के खिलाफ परफॉर्म करे, और जब रिकॉर्ड की बात आती है तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भारतीय रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा टूटें और पाकिस्तान के नाम आए। तो आपको ये दो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किस हद तक खुशी हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, काफी खुशी हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि ये रिकॉर्ड टूटे मेरे से। और बिल्कुल, एक प्लेयर एज अ प्लेयर आपका एक ड्रीम होता है कि यार आप इस लेवल तक जाए, जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनका रिकॉर्ड तोड़े और उनके साथ खड़े हों, तो काफी इस चीज से खुशी होती है, कॉन्फिडेंस आता है, और इस चीज को इंशाल्लाह कैरी ऑन करूंगा, जो फॉर्म लगी है इसको कैरी ऑन करूंगा और जितना हो सके इसको मैं लंबा लेके जाऊं, और एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान जितना इस चीज से मैं फायदा उठा सकता हूँ और टीम के लिए फायदा जितना हो सके उतना मैं वो करूँ। बाबर, जब से हम देखें पिछले तकरीबन एक साल हो गया है यूनुस खान पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कोच हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब से यूनुस भाई आए हैं, उस वक्त से अगर आप देखें असद शफीक हो गए, शान मसूद हो गए, हारिस सुहेल हो गए, फिर आबिद अली को देखा उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं जा रही, आसिफ अली, हैदर अली, तो क्या ये बैट्समैन समझ नहीं पा रहे यूनुस की बात, ये यूनुस उनको समझा नहीं पा रहे, क्योंकि कितने अरसे तक सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और एक दो के सर पे पाकिस्तान टीम चलती रहेगी, इतने एक लंबी लिस्ट है जो टीम से बाहर होते जा रहे हैं या उनकी कैरियर खतरे में, तो क्या समझते हैं आप, यूनुस समझा नहीं पा रहे हैं या बैट्समैन उनको लर्न नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों यूनुस भाई भी समझा रहे हैं, प्लेयर भी समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभार देखें परफॉर्मेंस 11 के 11 प्लेयर नहीं करते या 6 के 6 या 7 के 7 बैट्समैन नहीं करते, उसमें से दो प्लेयर्स करते हैं जिसमें से एक लंबा स्कोर करता है और साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है, और मेरे ख्याल से जितना वो प्लेयर को वो बैक कर रहे हैं और जितना उनको बैठ के बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि इतना बड़ा प्लेयर हमारा बैटिंग कोच है और उनसे हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, और वो चीज़ें हम उनसे भी सीख रहे हैं कि क्या उनके वर्क एथिक से क्या सोचते थे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्लेयर्स, मैंने पहले भी बात की है कि इन चीज़ों से खुद देखें, प्लेयर एज अ प्लेयर मुझे पता है कि मैंने कैसे निकलना है, मैं अगर मेरे से फॉर्म नहीं, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मैंने उस चीज़ से कैसे निकलना है। मेरा मानना यह है कि अपना कोच आप खुद हैं, बेस्ट कोच आप खुद हैं, तो आपको कैसे निकलना है, क्या दादा आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपने अपनी टेक्निक चेंज करनी है, क्या आपने अपनी क्या फिटनेस चेंज करनी है, तो मेरे आपको जितना अपने आपको अपना क्लियर माइंड रखेंगे, जितना आप अपने आपको गेम अपनी गेम को अवेयरनेस आपकी ज्यादा होती है, अपने आपको आप ज्यादा जानते हैं, तो उस चीज से आपने कैसे निकलना है मेरे ख्याल से आपको खुद पता होना चाहिए। जी उस्मान एंड अरसलान प्लीज। अच्छा बाबर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी देर से स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, इवन कि वाइट बॉल क्रिकेट में तो खास तौर पर, और रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं जो बेंच के ऊपर जो सीनियर खिलाड़ी बैठे हैं जैसे सरफराज हैं और उसके अलावा दीगर जो हैं, क्या उन लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ मौका नहीं देना चाहिए बजाय कि हम एक्सपेरिमेंट करते जाएँ और यंगस्टर्स को खिलाते जाएँ? सर देखें, टेस्ट मैच में तो मेरे ख्याल से वही टीम खेलती आ रही है और हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमारे वही जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं जो अजहर भाई हैं, फवाद आलम है, रजी है, मैं हूँ, तो कोशिश यही है कि यही मोमेंटम चलता रहे, और बॉलिंग भी हमारी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है, हसन अली आए हैं जिस तरह देखें उसने कम बैक किया वहाँ पे, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में उसने वनडे में T20 में और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और उसने जो एक चीज़ अपनी बैटिंग वो काफ़ी इम्प्रूव की है जो काफ़ी हमारी टीम के लिए अच्छी बात है। देखें बिल्कुल जब मौका मिलेगा तो हम पूरा उनको चांस देंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन स्क्वाड है, जो हमारा मेन कॉम्बिनेशन है, उसके साथ ही हम जाएंगे। जी प्लीज अरसलान। अस्सलाम वालेकुम बाबर,
नो डाउट पाकिस्तान टीम मिडल ऑर्डर जो है मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है, और आप बतौर कप्तान जो है इस चीज को लेके कितना फिक्रमंद है कि वर्ल्ड कप सर पे है और अभी तक जो है हमारा प्लेइंग 11 में जो मिडल ऑर्डर है वो अभी हमें उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे कि कौन से वो प्लेयर होंगे जो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तो बतौर कप्तान आपने किसी प्लेयर पे नजर रखी है या आप समझते हैं कि सर शुएब मलक को, सरफराज अहमद को, सीनियर प्लेयर्स को जो है वो अब वापस ले आया जाए क्योंकि जितने नए लड़के थे उन सबको ट्राई करके देख लिया है, तो बतौर कप्तान आप किसको मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं इस वक्त टीम में वर्ल्ड कप में खासकर? बिल्कुल देखें, जिस तरह हम अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने नए लड़कों को भी ट्राई किया क्योंकि यही हमारे पास टूवर था कि हम चेक कर लें कि हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ स्टैंड कर रहा है, और बिल्कुल काफी चीजें खुल के सामने आई हैं जो हमने इस चीज को फिल अप करना, और इंशाल्लाह इस चीज पे जाके बात होगी कि क्या हमें जरूरत है और किस प्लेयर को लेके हमने चलना है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी है, अभी जब हम वापस जाएंगे बैठ के जब सिलेक्टरों के साथ कोच के साथ जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं उनको दूंगा। जी प्लीज लालू, लालू आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी अच्छा भाई आप प्लीज क्वेश्चन करिए। अच्छा बाबर मेरा लालू आपकी आवाज आ रही है प्लीज। जी बाबर मेरा सवाल आपसे ये था कि जो मिडल ऑर्डर का जो मसला है कई अरसे से पेश आ रहा है, अगर ओडीआई में देखे, टी20 में देखे, टेस्ट में देखे, जो मसला है वो पेश आ रहा है, एज अ कैप्टन आपने क्या इसके लिए जहन में रखा है कि यार मुझे मिडल ऑर्डर पर फोकस करना है कि टी20 वर्ल्ड कप सर पे, दौरे इंग्लैंड सर पे, तो ये जो मिडल ऑर्डर का मसला है अगर आप 110 पे एक आउट और 127 पे 7 आउट हो जाए तो ये बड़ा मसला है, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी परेशानी है, तो एज अ कैप्टन इस पर क्या आपने फोकस किया? बिल्कुल, मैंने अभी इसी आपके सवाल से पहले इसका मैंने आंसर कर दिया, मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। देखें जिस तरह हम ये जो टीम हमारी आई थी इनमें हमने चेंजेस किए थे, हमने ट्राई किया डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिक नहीं कर पाया, काफी चीजें हमारे सामने खुल के आ गई हैं, और अभी जाके वापस इस पे बात करेंगे, और बिल्कुल इस पे मैंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, और जो मुझे समझ आएगी मैं अपना इनपुट दूंगा उधर, और कोशिश होगी कि इंग्लैंड टूर से वो चीज फिल अप हो और उसी को लेके हम कैरी ऑन करें वर्ल्ड कप तक। जी बाबा अस्सलाम वालेकुम, आए तो शाम बोल रहा हूं बाबा, बार पूछा ये था कि आप माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं और अगर किसी मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती तो एकदम से नाकदीन जो है वो पीछे ही पड़ जाते हैं और टीम को भी बड़ा डील किया जाता है, तो बतौर कप्तान कितना असर होता है आप पे खिलाड़ियों पे जो है ये जो अनवांटेड किस्म की क्रिटिसिज्म होती है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, और कोशिश जिस तरह कोशिश यही होती है कि मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि मैं हर मैच में परफॉर्म करूं, लेकिन क्रिकेट है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे दिन होते हैं, और कोशिश और मेरे ख्याल से हर एक का अपना डिफरेंट ओपिनियन है, और मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा अपनी टीम को बैक करता हूं, प्लेयर्स को बैक करता हूं, जिससे नहीं होता उसको ज्यादा बैक करता हूं। जी प्लीज लास्ट टू क्वेश्चन राणा साजिद एंड मारिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई, राणा साजिद 7 न्यूज़ चैनल से। अच्छा शानवाज धानी को पहली दफा टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो क्या तवक्कुआत हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, आपको क्या लगता है और आपका प्लान क्या है उनको टेस्ट सीरीज में जो पहली दफा जो प्लान उनका हिस्सा बनेंगे इस्तेमाल करने के वाले से क्या प्लान किया हुआ, उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम देखेंगे जो हमारी टीम के लिए कम्बिनेशन टीम की कम्बिनेशन के लिए बेस्ट होगा, और कोशिश यही हमारी है कि हमारा जो विनिंग मोमेंटम है उसको लेके चलें, और जो हमारा मेन स्क्वाड है उसको पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर सेकंड टेस्ट मैच में हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमें लगा कि खिलाना चाहिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें बाबर, तो एज अ फैन ऑफ क्रिकेट हमें पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना परेशान रखती है कि जीता हुआ मैच भी हम बहुत बुझाते हैं,
तो आपको भी मैंने देखा कि जो ऐसे मैचेस थे तो आप भी काफी ज्यादा परेशान, आपकी हालत भी वैसी होती है जैसे पाकिस्तान हमारी हो रही होती है यहाँ पे। तो आप मैच के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो आप जाके बोलते हैं यार खुदा का खौफ दे लिया करो थोड़ा सा, कि यार मुझे भी टेंशन हो रही होती है, कैमरे सारे आपके ऊपर होते हैं, आल दो के पाकिस्तान फैंस के ऊपर कैमरा नहीं होता, लेकिन हालत सबकी एक जैसी होती है। हाँ बिल्कुल, टेंशन तो बहुत होती है, कोशिश क्योंकि इसलिए होती है कि मैच जीत जाए और इसमें पाकिस्तान टीम का ही पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है। और बिल्कुल ऐसा होता है कभी कभार कि बोलता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी ना किया करें, थोड़ा सा आराम से मैच को लेके जाया करें और खत्म फिनिश आराम से किया करें कि हमारा दिल ऊपर नहीं चला हो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, जजाकल्ला।